मेरे प्यारे बच्चों आदाब उम्मीद है कि आप आफियत से हैं आज के इस क्लास में मैं जनाब अशफाक आपका खैर मकदम करता हूँ अजीज बच्चों इस सबक में हम जमाना हाल जारिया पर काम करेंगे इससे पहले कि हम जमाना हाल जारिया सीखें आप जमाना हाल की चंद मिसालें दीजिए मैं पढ़ता हूँ तुम लिखती हो हम खाते हैं वगैरह जी हाँ ये ज़माना हाल की मिसालें हैं अब हम जमाना हाल जारिया सीखेंगे ग़ौर से देखिए हम जमाना हाल जारिया में गर्दान कैसे करेंगे हम फैल खाना की गर्दान करेंगे सबसे पहले मुज़क़्कर में गर्दान करते हैं फैल खाना मुजक्कर में मैं खा रहा हूँ तू खा रहा है वो खा रहा है हम खा रहे हैं तुम खा रहे हो वो खा रहे हैं आप खा रहे हैं फैल खाना मुअन्नस में मैं खा रही हूँ तू खा रही है, वो खा रही है, हम खा रहे हैं तुम खा रही हो वो खा रही हैं आप खा रही हैं ग़ौर फरमाइए बच्चों ज़माना हाल जारिया में मुजक्कर में और मुअन्नस में भी ज़मीर हम की गर्दान बराबर रहती है मुजक्र और मोहनस दोनों में हम के लिए खा रहे हैं कहेंगे अब फैल जाना कि गर्दान जमाना हाजारिया में करते हैं याद रखिए बच्चों गर्दान करते वक्त फैल से ना नून अलीफ ना निकाल कर गर्दान करते हैं तो फैल जाना मुजक्कर में मैं जा रहा हूँ तू जा रहा है वो जा रहा है हम जा रहे हैं तुम जा रहे हो वो जा रहे हैं आप जा रहे हैं मुअन्नस में मैं जा रही हूँ तू जा रही है वो जा रही है हम जा रहे हैं तुम जा रही हो वो जा रही है आप जा रही हैं अब फैल पढ़ना कि गर्दान ज़माना हाल जारिया में करेंगे पहले मुज़क़्कर में गर्दान करेंगे फैल पढ़ना मुज़क़्कर में मैं पढ़ रहा हूँ तू पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है हम पढ़ रहे हैं तुम पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं अब मुअन्नस में फैल पढ़ना मुअन्नस में मैं पढ़ रही हूँ तू पढ़ रही है वो पढ़ रही हैं हम पढ़ रहे हैं तुम पढ़ रही हो वो पढ़ रही हैं आप पढ़ रही हैं कोई भी फैल हो जमाना हाल जारिया में इसी तरह गर्दान करेंगे ज़माना हाल जारिया में रहा हूँ रहा है रही हूँ रही हैं रहे हैं रही हैं का इस्तेमाल करते हैं ठीक है बच्चों ये देखिए बच्चों जमाना हाजारिया में फैलों की गर्दान का एक नमूना फ़ैल से ना नून अलीफ ना निकाल कर वाहिद मुजक्र के लिए मैं रहा हूँ टू और वो के लिए रहा है इस्तेमाल करेंगे और जमा मुजक्कर के लिए हम रहे हैं तुम रहे हो वो और आप के लिए रहे हैं इस्तेमाल करते हैं और वाहिद मुअन्नस के लिए मैं रही हूँ तू और वो के लिए रही हैं इस्तेमाल करते हैं और जमा के लिए हम रहे हैं इस्तेमाल करते हैं तुम के लिए रही हो वो और आप के लिए रही हैं इस्तेमाल करते हैं अब हम जुमलों में जमाना हाल जारिया का इस्तेमाल करेंगे हिदायत देखते हैं ब्रैकेट में दिए गए फैलों को जमाना हाल जाड़िया में लिखिए इस वक्त अब्बा अखबार ब्रैकेट में फैल पढ़ना बताइए जवाब क्या होगा बच्चों? अब्बा अब्बा के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो अब्बा के लिए रहे हैं तो सही जवाब है पढ़ रहे हैं। इस वक्त अब्बा अखबार पढ़ रहे हैं मैं अभी नाश्ता ब्रैकेट में फैल करना सही जवाब है कर रहा हूँ जी हां अगर लड़का है तो वो क्या कहेगा बच्चों? मैं अभी नाश्ता कर रहा हूं और अगर लड़की हो तो वो क्या कहेगी बच्चों? मैं अभी नाश्ता कर रही हूं यहाँ दोनों जवाब सही हैं देखिए बच्चों अगर किसी जुमले में अभी या इस वक्त जैसे अल्फाज होते हैं तो ज़माना हाल जारिया का इस्तेमाल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों अब मैं आपको एक मश्क दूंगा। आपको कई फैल दिए जाएंगे आप इन फैलों में से जमाना हाजारिया पहचानिए तो देखिए मैं चलता हूँ हम देख रहे हैं तुम जाओगे इनमें जमाना हाजारिया कौन सा है जी हाँ हम देख रहे हैं जमाना हाजारिया में रहा है रही हैं, रहे हैं रही हैं का इस्तेमाल करते हैं अब ये देखिए और बताइए इनमें जमाना जारिया कौन सा है तू लिखता है आपने कहा वो खरीद रही हैं गौर से देखिए बच्चों जमाना हाजारिया कौन सा है वो खरीद रही हैं, जी हाँ, वो खरीद रही हैं जमाना हाजारिया में है अब यहाँ देखिए तुम बोल रहे हो हम गए थे तुम बोलते हो इनमें से जमाना हाल जारिया कौन सा है बच्चों गौर से देखिए क्या तुम बोलते हो जमाना हा जा रिया में है? नहीं ये जमाना हाल में है तो सही जवाब क्या है बच्चों कौन सा फैल जमाना हा जा में है तुम बोल रहे हो जी हां तुम बोल रहे हो ये हाजारिया में है तो बच्चों, इस सबक में हमने जमाना हाजारिया सीखा हमने मुजक्कर और मुन्नस में जमाना हाजारिया में फैलों की गर्दान करना सीखा और जुमलों में भी जमाना हाजारिया का इस्तेमाल किया हमारा ये सबक यहीं पे ख़त्म होता है उस्ताद उसको को इजाजत दीजिए हाफिज़